अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार पकोड़ा बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकन पकौड़ा की रेसिपी। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg करीब चिकन लिया है और इस चिकन में 2 लेग पीसेस हैं जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और पानी से साफ करने के बाद हमें इस तरह से छलनी पर रख लेना है ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए। अब मैं इसे एक बाउल पर ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर कुछ मसाले मिलाना है। 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच दही। दही यहाँ पर हमें हंकर दही लेना है, पानी वाला दही नहीं लेना है। साथ ही मैं डाल लेती हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच के करीब चिकन तंदूरी मसाला पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 2 बड़ी चम्मच बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर कच्चा लिया है, भुना नहीं है। अगर हम टेबलस्पून के हिसाब से चले तो 4 टेबलस्पून बेसन। उसी तरह से 2 बड़ी चम्मच मैदा भी हमें लेना है, यानी 4 टेबलस्पून मैदा, 1/2 चम्मच के करीब नमक। सबसे आखिर में मैंने यहाँ पर 1 चुटकी रेड फूड कलर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी को मैं सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें यहाँ पर पानी नहीं डालना है, हम पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसालों को चिकन में। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सूखा सा हमें बैटर तैयार करना है, यानी इस तरह का हमें बैटर तैयार करना है सूखा सा, जैसे हमारा चिकन अच्छी तरह से कोटिंग कर पाए। अगर हम ज़्यादा पतला करेंगे तो कोटिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका अच्छी तरह से कोटिंग लेयर वाला बैटर तैयार कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चिकन जो है सभी मसालों को अच्छी तरह से पकड़ लिया है और इस तरह से आपको बनाना है। अगर आप ज़्यादा इसका बैटर जो है पतला कर लेंगे तो चिकन को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाएगा, कोटिंग नहीं हो पाएगा और हमारा पकौड़ा सही तरीके से नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। पहले आप सूखा मसाला अच्छी तरह से चिकन में मिला लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इस तरह से बना लें। अब मैं इसे रखूंगी, मैरिनेटेड चिकन को हम 1 घंटे के लिए साइड पर रख लेंगे। किचन काउंटर पर रखें या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और हमारा चिकन आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सभी मसालों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है और ये फ्राई होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए चिकन को डाल लेती हूँ। चिकन को तेल में डालने के बाद फौरन ही हमें उसे पलटना नहीं होता है, 1 से 2 मिनट के लिए हम उसे उसी तरह से छोड़ देंगे और हम इसे फ्राई करेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। अगर हम फौरन पलटेंगे तो हमारा कोटिंग जो है हमने किया है वो निकल जाएगा। चिकन को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए हम उसे उसी तरह से छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। 2 मिनट हो चुका है तो चलिए अब मैं चिकन को पलट लेती हूँ और फिर दोबारा हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से उलट पुलट करते हुए 8 से 10 मिनट के लिए इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा और हमारा चिकन पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मसाला जो है हमने जो कोटिंग किया था वो अच्छी तरह से चिकन को पकड़ा है, बिल्कुल भी मसाला जो है यानी उसका कोटिंग जो है वो चिकन को छोड़ा नहीं है। तो इसी से अंदाजा लगाइए हमारा चिकन पकौड़ा कितना डिलीशियस बना है और चिकन गलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हमने दही मिलाकर उसे 1 घंटे के लिए जो मैरिनेट करके रखा हुआ था सभी मसालों के साथ, तो चिकन गलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ और इसी तरह से हम बाकी का चिकन भी इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लेग पीसेस डाले हैं और 2 छोटे पीसेस साइज के डाले हैं। सेम उसी तरह से हम इसे तलेंगे, 2 मिनट के लिए एक साइड इसी तरह से छोड़ देंगे, उसके बाद फिर पलटेंगे, फिर 2 मिनट उसे उसी तरह से छोड़ देंगे, फिर उलट पुलट करते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 छोटे पीसेस हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये अच्छी तरह से पकौड़ा जो हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन लेग पीसेस को हम और 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है लेग पीसेस को फ्राई होने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट के लिए मैंने लेग पीसेस को फ्राई कर लिया है और हमारा चिकन पकौड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसे भी मैं तेल से छान कर निकाल लेती हूँ।
चिकन पकोड़ा बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं, और इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे आपका चिकन पकोड़ा इसी तरह से माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बनने वाला है। इसे सर्व करने के पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर लें और नींबू का रस डाल लें तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इस माह रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक बार चिकन पकौड़ा की रेसिपी जरूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन पकौड़ा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें। अल्लाह हाफिज़।